हाय फ्रेंड्स, ये इंग्लिश भी बड़ी अद्भुत चीज़ है। इंग्लिश में एक शब्द होता है सॉरी, और सॉरी का मतलब यदि कोई इंसान बोले तो लड़ाई ख़त्म, और कोई डॉक्टर बोले तो इंसान ख़त्म, है ना। तो यही अंग्रेजी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में पे है हमारा अगला स्टेप है 8 इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ द स्पीच इनटू एनदर। आज के इस वीडियो पार्ट में देखेंगे कि किस प्रकार से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलते हैं, और उसके ऐसे बदलाव होने के कारण उसके अर्थ में भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिले। तो आज हम वही स्टेप चेकने वाले हैं, और यहाँ कुछ हमने को शब्द लगे हैं और उनको दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस प्रकार से बदला जाता है वो देखते हैं। आज यहाँ देखते हैं नाउन से वर्ब बनाना पहला स्टेप है, सेकेंड स्टेप है वर्ब से नाउन बनाना, और थर्ड स्टेप है नाउन से एडजेक्टिव बनाना। तो स्टेप बाय स्टेप जो वर्ड लिखे हैं उन वर्ड को किस प्रकार से हम दूसरे पार्ट्स ऑफ द स्पीच में चेंज कर देंगे तो वो देखते हैं। चलो यहाँ देखते हैं, जैसे नाउन है ये वर्ब है, तो ये वाला स्टेप जो है ये पूरा नाउन का है, ये वाला पूरा वर्ब का है, और ये भी नाउन का है, तो यहाँ आपको एडजेक्टिव में बदलना है। तो यहाँ देखते हैं एडवाइस, तो एडवाइस ये नाउन है, तो यहाँ वर्ब बनाएंगे तो किस प्रकार से बन जाएगा। तो एडवाइस करना क्या है, ए डी वी आई एस ई, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एस जोड़ देंगे तो ये हमारा वर्ब का काम करेगा। और इसके बाद बात है, तो फ्रेंड्स बात का हो जाएगा बी ए टी एच ई, ई जोड़ देंगे तो ये हमारा वर्ब बन जाएगा। इस स्टेप को पहले सीखेंगे, इसके बाद सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो बाद में आपको बताया जाएगा। इसके बाद है बिलीफ, तो बिलीफ का हो जाएगा बी ई एल आई ई वी ई, बिलीफ मीन्स विश्वास करना। इसके बाद है क्लोथ, सी एल ओ टी एच ई, यहाँ पे ई जोड़ देंगे तो हमारा वर्ब बन जाएगा। और इसी प्रकार से अगला हमारा है क्रिटिक, क्रिटिक तो सी आर आई टी आई सी आई जेड ई, क्रिटिसाइज है ना, आलोचना करना, जिसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद है हाफ, तो हाफ का जो वर्ब बनाएंगे तो हो जाएगा एच ए एल वी ई एस, हाफ हो जाएगा। और इसके बाद है हैस्ट, तो हैस्ट मतलब जल्दबाजी, शीघ्रता, तो इसका हो जाएगा हैस्टन, यहाँ पे इसका हैस्टन हो जाएगा। और इसके बाद है जस्टिस, जस्टिस तो हो जाएगा जस्टिफाई, ये हो जाएगा हमारा। और इसके बाद है लाइट, तो यहाँ पर लाइट का हो जाएगा एल आई वी ई लाइट, और लाइट का हो जाएगा लाइटन, और सेल का हो जाएगा यहाँ पे एस ई डबल एल, सेल मीन्स बेचना या बिक्री करना, और यहाँ सेल का मतलब होता है बिक्री, जो कि नाम के रूप में है। तो आप यहाँ पे आपने देखा कि नाम किस प्रकार से, नाम के जो वर्ड है उनको किस प्रकार से वर्ब में चेंज करते हैं, तो शायद ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। और आगे स्टेप देखते हैं, हमारा उल्टा क्रम रहेगा, वर्ब वाला फंक्शन लिखा है, वर्ब के वर्ड लिखे हैं, इनको आपको नाम में बदलना है, तो देखते हैं किस प्रकार से इनको बदला जाएगा। तो इसका हो जाएगा एडमायरेशन, और इसका जो एडमिट है तो यहाँ पर हो जाएगा एडमिशन, एडमिशन हो जाएगा। एग्री है तो इसका हो जाएगा एग्रीमेंट, और यहां पे अरेंज है तो आप जानते हैं अरेंज का हो जाएगा अरेंजमेंट। अराइव है हो जाएगा अराइवल। ब्रेक है तो ब्रेक का क्या हो जाएगा, ब्रेक, ब्रेक का ब्रेक लिख दो, एज लिख दो, हो जाएगा ब्रेकेज। इसके बाद है बरी, इसके बाद है बैरी तो हो जाएगा बैरियर। इसके बाद है कैरी, तो कैरी का क्या हो जाएगा, कैरेज, डिलीवर। इसके बाद है डिलीवर, तो यहां इसका हो जाएगा डिलीवरी। और इन्वेंट है आविष्कार करना, तो इसका हो जाएगा इन्वेंशन। इसके बाद लॉस, लॉस यहाँ पे वर्ब है, तो एल ओ डबल एस, ये आपका हो जाएगा नाउन, ये एल ओ एस ही लॉस वर्ब है, यहाँ पे लॉस नाउन हो गया है। मिक्स, मिक्सचर हो जाएगा। और प्रपोज का प्रपोजल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं
इस प्रकार से हमने सीखा कि किस प्रकार से नाउन से वर्ब बनाते हैं, वर्ब से किस प्रकार से नाउन में चेंज करते हैं। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है वो नाउन का है और किस प्रकार से उसको एडजेक्टिव में बदला जाता है, ये सीखेंगे। तो आप एक्सीडेंट लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल भी एडजेक्टिव हो गया। जीएल है तो जीएल पूरा ऐसे ही लिख लें, ओ यू एस जोड़ देंगे तो ये जीएस हो जाएगा। ईयर है तो ईयर का हो जाएगा ईयरली, ईयर का ईयरली हो जाएगा। वर्थ का वर्दी हो जाएगा और वैल्यू का वैल्यूएबल हो जाएगा। स्टॉल बहुत सरल है, स्टॉल का स्टॉलिंग हो जाएगा और स्टार का स्टारिंग हो जाएगा, यहाँ पे स्टोरी हो जाएगा। रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टेबल हो जाएगा और नेशन का आप जानते हैं कि नेशन का हो जाएगा नेशनल। आइस का हो जाएगा आईसी, ऑनर का हो जाएगा ऑनरेबल, मिल्क का हो जाएगा मिल्की, फ्लावर का हो जाएगा फ्लावरी, कंडीशन का कंडीशनल हो जाएगा। इस प्रकार से इन शब्दों को बदल लेंगे। इसके बाद अगली स्टेप देखते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको किस प्रकार से एक साथ बदल के बता रहा हूँ। नाउन है इसको किस प्रकार से वर्ब में बदलेंगे, किस प्रकार से एडजेक्टिव में बदलेंगे और किस प्रकार से एडवर्ब में बदलेंगे। तो मैंने यहाँ पे फाइव वर्ड देखे हैं, तो आप देखते हैं फर्स्ट वर्ड इज ब्यूटी। तो ब्यूटी का वर्ब क्या हो जाएगा, तो यहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा ब्यूटीफाई, ब्यूटी ब्यूटीफाई, ओके यहाँ हो जाएगा ब्यूटीफाई। और इसका एडजेक्टिव अगर लेंगे तो हो जाएगा ब्यूटीफुल, और यहाँ एडवर्ब बनाएंगे तो हो जाएगा ब्यूटीफुली, है ना। एक साथ बताने का प्रयास कर रहे हैं। इंटेंशन इंटेंशन का हो जाएगा इंटेंटेड और इधर हो जाएगा इंटेंशनल, और इधर हो जाएगा आपका इंटेंशनली, ये इसका एडवर्ब हो जाएगा। और इसके बाद है सक्सेस, तो इसको देखते हैं। सक्सेस का हो जाएगा सक्सीड और इधर आपका हो जाएगा सक्सेसफुल और इधर हो जाएगा सक्सेसफुली, ये आपका एडवर्ब हो गया। और इसके बाद है केयर, तो यहाँ इसका वर्ब हो जाएगा केयर या केयर्ड या केयर्स, ओके ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंस। और यहाँ पे इसका हो जाएगा केयरफुल, यहाँ हो जाएगा केयरफुल और यहाँ पे हो जाएगा केयरफुली। इसके बाद है एंजॉयमेंट, तो यहाँ इसका हो जाएगा वर्ब में एंजॉय और इधर हो जाएगा आपका एंजॉयएबल, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा एंजॉय एबली, ए बी एल एबली, एंजॉय एबली, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से सेंटेंस का निर्माण होता है वो देखते हैं। तो यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस का निर्माण करना है। जैसे द हंटर गॉट सक्सेस इन किलिंग अ टाइगर। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये अंडरलाइन कर रहे हैं सक्सेस पे, तो ये हमारा नाउन फॉर्म है। इसको वर्ब में किस प्रकार से बदला जाएगा,
एडजेक्टिव में किस प्रकार से बदल जाएगा और एडवर्ब में किस प्रकार से बदलते हैं वो देखते हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस है, द हंटर गोट सक्सेस इन किलिंग ए टाइगर, तो अंडरलाइन सक्सेस पे है, तो ये हमारा नाउन फॉर्म बन गया है। अब हम बदलते हैं वर्ब फॉर्म में, तो किस प्रकार से बदलेंगे, द हंटर। अब यहां सक्सेस नाउन का आपको वर्ब बनाना है, तो अभी जो मैंने बताया था कि सक्सेस का हो जाएगा सक्सीड, वर्ब होता है, तो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो हो जाएगा सक्सीडेड, द हंटर सक्सीडेड, SUCCEDED, द हंटर सक्सीडेड इन किलिंग अ टाइगर। ये इसका बन गया वर्ब फॉर्म, कौन सा बन गया वर्ब फॉर्म, हमने यहां पे सक्सेस का सक्सीडेड कर दिया है, तो ये हमारा हो गया है वर्ब फॉर्म। आप देखते हैं किस प्रकार से एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं, तो द हंटर वार, क्योंकि पास्ट टेंस है ना, तो द हंटर वार सक्सेसफुल किलिंग अ टाइगर, द हंटर वार सक्सेसफुल किलिंग अ टाइगर। और इसके बाद ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म हो गया। इस प्रकार से देखते हैं किस प्रकार से हम इसको एडवर्ब में बना सकते हैं, तो किस प्रकार से बनाएंगे, द हंटर सक्सेसफुली किल्ड अ टाइगर, द हंटर सक्सेसफुली किल्ड अ टाइगर। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आपको यहाँ पे एडवर्ब के फॉर्म में भी बताया किस प्रकार से एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने बदल के भी बताया है। अब इसके बाद आप इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस लेते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो उसमें आप अपना खुद का प्रैक्टिस भी करेंगे और बाद में उसके आंसर भी मैं बताऊंगा, तो आप उसको मिला लें अपने। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं एक्सरसाइज है इसकी, बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिए गए इस एक्सरसाइज में, और आप इनको करें और बाद में अपने आंसर मिला लें। तो देखते हैं रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड। आपको ध्यान देना है जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जैसा कि मैंने लाल मार्कर से ये अंडरलाइन कर दिया है, तो इसी का प्रयोग आपको करना है, इसी को आधार पे आपको बदलना है। तो आप देखते हैं अंडरलाइन वर्ड्स बाय किसके द्वारा करना है, तो आपको करना है नाउन का प्रयोग करना है, वर्ब का प्रयोग करना है, और एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, और एडवर्ब का प्रयोग करना है। तो हमारे यहाँ पे फंक्शन कितने हो गए हैं, एक तो ये फंक्शन हो गया नाउन का वन, यहाँ पे सेकंड ये वर्ब का, थर्ड हो गया एडजेक्टिव का, फोर हो गया है एडवर्ब का। तो यहाँ 12 सेंटेंस लिए गए हैं, 12 सेंटेंस लिए गए हैं, जिसमें तीन तीन सेंटेंस लिए गए हैं और चार वहां का प्रयोग किया है। ये एक्सरसाइज में हर फॉर्म का प्रयोग करके मैंने बताया है। तो यहां देखेंगे, तो पहले के तीन बार नाउन पे आधारित रहेंगे, आगे तीन से छह जो रहेंगे वो वर्ब पे आधारित रहेंगे, और छह से नौ जो रहेंगे वो एडजेक्टिव पे आधारित हैं, और नौ से जो बारह हैं वो एडवर्ब पर आधारित हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से इनको हम बदलेंगे। तो पहला क्या है ना, रीड द बुक केयरफुली, बुक को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, तो आपको किसमें केयरफुली पे अंडरलाइन किया गया है, नाउन का प्रयोग करके बनाना है। तो आपको कैसे पढ़ेंगे, रीड द बुक, आंसर इसका हो जाएगा रीड द बुक विद केयर। अब आप देख रहे हैं केयर हमारा यहाँ पे नाउन हो गया है, क्या हो गया है, केयरफुली यहाँ पे एडवर्ब है और यहाँ पे ये नाउन का प्रयोग हो गया है, सेंस भी कोई बदला हुआ नहीं है, सेंस भी जो का त्यों है। आगे देखते हैं, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, उसने वादा किया मेरी मदद करने का, उसने मेरी मदद करने का वायदा किया। तो आप देखेंगे किस प्रकार से बदलेंगे, तो हो जाएगा ही गिव, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही गिव प्रॉमिस टू हेल्प मी। प्रॉमिस हमारा क्या हो गया है, नाउन हो गया, ही गिव प्रॉमिस, क्या दिया उसने, वादा किया, ठीक है, वचन दिया।
तो यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। आगे देखते हैं, सी लिव्स कंफर्टेबली, एडवर्ब का प्रयोग हुआ है यहाँ पे वर्ब का प्रयोग था, तो वर्ब से नाउन में बदला गया है, एडवर्ब से नाउन में बदला गया है। अब अगला है एडवर्ब से नाउन में बदलना है, तो सी क्या आंसर हो जाएगा, सी लिव्स विद कंफर्ट, सी लिव्स विद कंफर्ट, कंफर्ट क्या है यहाँ पे नाउन हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि तीन सेंटेंस दिए गए हैं, थ्री सेंटेंस विचार आल क्लियर, जो सब बदल गए हैं किसके अनुसार, नाउन के अनुसार इनको बदल दिया गया है। अब आप देखते हैं किसका वर्ब, किसका टर्न है वर्ब का, तो आप यहां देखेंगे पुट योर सिग्नेचर ऑन दिस पेपर, तो हो जाएगा प्लीज साइन, इस प्रकार से आप कह सकते हैं प्लीज साइन ऑन दिस पेपर सिग्नेचर नाउन है, आपको वर्ब बनाना है, तो साइन सिग्नेचर का यहां पे साइन कर दिया गया, प्लीज साइन ऑन दिस पेपर, ओके। और इसके बाद देखते हैं योर कंडक्ट वाज अनोइंग टू मी, योर कंडक्ट आपका जो आचरण है, व्यवहार है, उसने मुझे क्रोधित किया, वाज अनोइंग टू मी, वो मुझे क्रोधित कर रहा था, तो किस प्रकार से कराएंगे, योर कंडक्ट पास्ट में ही रखेंगे, अनोइंग टू मी, ओके। तो ये भी सेंसफुल है, योर कंडक्ट अनोइंग टू मी, तो यहां पे अनोइंग जो है वो क्या है, अनोइंग क्या है, एक प्रकार से नाउन है, तो यहां पे किस में बदला गया है, वर्ब में बदला गया है, अनोइड हो गया है। इसके बाद देखते हैं ही वाज होपफुल ऑफ सक्सेस दिस ईयर, तो ही वाज होपफुल, वह बहुत आशावान था कि इस साल वो सफल हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो किस प्रकार से बनाएंगे, होपफुल पे दिया गया है, बदलना किसमें है, बदलना किसमें है, वर्ब में, तो ही होप क्या हो जाएगा, ही होप ऑफ सक्सेस, ही होप्ड, उसने आशा की ऑफ सक्सेस दिस ईयर, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहां सिंगल ही रहेगा, नहीं तो होप में खुदकना हो जाएगा वहां उसका। आगे देखते हैं ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट करेज, तो ये थ्री सेंटेंस विचार क्लियर, जो कि क्लियर हो चुके हैं, ये वर्ब का प्रयोग, ये नाउन का, ये नाउन का क्लियर हो गया है, यहाँ वर्ब का भी क्लियर हो गया है, अब बारी किसकी आई है, एडजेक्टिव की आई है, चलो, ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट करेज, वह बहुत बहादुर आदमी है ना, तो किस प्रकार से बनाएंगे, ही इज courageous man, he is a courageous man, तो आप यहाँ पे courageous माना क्या हो गया है, adjective हो गया है, और man क्या है, noun है, तो noun के पहले आने वाला शब्द विशेषण होता है, adjective होता है, तो he is a courageous man, ये हो गया आपका adjective। आगे देखते हैं he is full of courage, तो इसका तो very simple, तो he is courageous, he is courageous, वह बहुत हिम्मती है ना, he is courageous, तो यहाँ पे ये is का कंप्लीमेंट क्या है, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव क्या है, कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है, जो कि एक एडजेक्टिव है, तो ये बन जाएगा courageous, तो यहाँ पर भी courageous है, ये भी courageous है, तो दोनों ही, ये हमारा कौन सा हो गया, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना। आगे देखते हैं दिस बुक डिफर्स फ्रॉम दैट, ये आपके वर्ब है, यहां पे क्या है वर्ब है, तो यहां देखते हैं दिस बुक, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस बुक, डेफिनेट है दिस बुक
यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दिस बुक इज डिफरेंट, डी आई एफ एफ डिफरेंट, ये हो गया दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम, और इधर हो जाएगा दैट, ये आपका करेक्ट आंसर बन गया है, दिस बुक इज डिफरेंट, ये एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया फ्रॉम दैट। तो आप देख रहे हैं कि ये तीन सेंटेंस ये यहाँ पे यहाँ से लेकर ये हमारा हो गया है एडजेक्टिव वाला भाग है, यहाँ पे ये वर्ब वाला हो गया, नाउन वाला हो गया। अब आप देखते हैं कि किस प्रकार से आपको एडवर्ब का प्रयोग करके सही वाक्य बनाना है, तो आप देखते हैं ही हरी टू स्कूल, वह बड़ी शीघ्रता से स्कूल गया, तो कैसे बनाएंगे, ही वेंट टू स्कूल हरीडली, इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहां पे एडवर्ब का प्रयोग कर दिया गया है, और आगे देखते हैं ही वाज ब्रेव इन फाइटिंग, तो यहां पे आपको लगा ही फॉर ही फॉर ब्रेवली वह बहादुरी से लड़ा, तो ही वाज ब्रेव इन फाइटिंग, में लड़ाई में बहादुर था, बात एक ही, तो ही फॉर्ट, तो यहाँ ब्रेव का ब्रेवली कर दिया गया, गड़बड़ हो गया है। अगला है दे फेस्ड ऑल द डिफिकल्टीज विद पेशेंस, उन्होंने जितनी परेशानियां आई उन परेशानियों का बड़े साहस ढंग से उनका सामना किया, तो देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे, दे फेस्ड ऑल द डिफिकल्टीज पेशेंटली, दे आप इस प्रकार से बना लें दे पेशेंटली, they patiently faced all the difficulties. So यहाँ पे all the 10 sentences has been clear by the all steps. So I want to say at last that if you like such type sentences very much, so please like, share, subscribe and comments of this channel. Thank you very much. Have a nice day.